बिहार के एक छोटे से शहर का रहने वाला एक नौजवान अपनी आंखों में सपनों के उड़ान लेकर पटना आया था। पटना में नौकरी ढूंढ तो नहीं मिली, एक वेटर की नौकरी की एक होटल में, और उसके बाद भी उसके सपनों की उड़ान जो थी वो कम नहीं हुई और आज वो नौजवान एक ब्रांड बन चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के मोतिहारी के रहने वाले राकेश पांडे जी, जो आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपके बारे में काफ़ी हमने पढ़ा है, यूट्यूब में पढ़ा। एक मोतिहारी जैसे शहर से आपने अपनी शुरुआत की थी, पटना में होटल में वेटर का नौकरी किया और उसके बाद आज आप एक ब्रांड बन चुके हैं। एक बहुत लंबी कहानी होगी इसके पीछे, लेकिन संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कैसे ये पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 24 की टीम को और बिहार वासियों को नववर्ष की मंगल कामना। देखिए, ये तो मैं भी मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी एक कहानी जैसी लगती है कि आप कहाँ मोतिहारी जिला, कहाँ मेरा गांव और कहाँ अभी हम लोग पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं ये सभी लोगों का आशीर्वाद है। और एक दौर था, हम लोग एज ए स्टूडेंट पटना आए, यहाँ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी पार्ट टाइम करते थे क्योंकि पैसे की थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, दिल्ली में पढ़ाई की पूरी की, उसके बाद छोटी मोटी नौकरी की, फिर विदेश की एक और कंपनी थी उसमें भी काम किया कुछ दिनों तक और फिर अपने काम में लग गया। तो मुझे लगता है कि ये इसको क्लेम करना तो बड़ा बेमानी सा होगा कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा थी, अपने लोगों का आशीर्वाद था, चंपारण के लोगों का स्नेह था कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया और ये सफ़र पूरा हुआ। थोड़ी सी अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि व्रियो फार्मा जो आपकी जो कंपनी है उसने लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों की बहुत मदद की थी। मोतिहारी में जब उस इलाके में बाढ़ आया था उस दौरान भी आपके संस्था के लोगों ने, कंपनी के लोगों ने काफ़ी मदद की थी, तो व्रियो फार्मा की आज क्या स्थिति? नहीं, देखिए, व्रियो फार्मा तो ऑलरेडी आप समझिए कि 8 कंट्री में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और जो मेन फोकस एरिया है वो HIV है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है। उसमें रिसर्च विंग भी है, मेडिसिन भी बनाते हैं और जो मेडिकल डिवाइसेज हैं जैसे कोरोना में आप जो VTM टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आता है, वर्चुअल ट्रांसपोर्ट मीडियम, या फिर आप देखेंगे एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट ICMR ने भी अप्रूव किया। तो ये एक बड़ा मिला जुला सा हमारा एक प्लेटर है जिसमें कि हम लोग डायग्नोसिस पे भी ध्यान देते हैं, मेडिसिन पे भी ध्यान देते हैं और रिसर्च पे भी ध्यान देते हैं। मेन फोकस एरिया कैंसर का है और HIV और हेपेटाइटिस का है। अब क्या है कि इंडिया से बाहर तो यूनिट्स हैं, इंडिया के बाहर एडवांस डायग्नोस्टिक लैब्स भी हैं, लेकिन अब इच्छा है कि बिहार में कुछ किया जाए और इसी को थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ी, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन बिहार में आप समझिए चंपारण में एक हम लोग यूनिट डाल रहे हैं। थोड़ा सा कोरोना काल में समस्या थी तो CSR में लोग, हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया, कोशिश किया कि लोगों को कुछ फ़ायदा मदद पहुँचाया जा सके क्योंकि ज़रूरत पर ही मदद हो तो ज़्यादा अच्छा है और बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के मदद हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो एक दौर था, उसमें हम लोगों ने किट से लेकर मास्क से लेकर बाढ़ में पीड़ितों के लिए जो भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल शौचालय तक का भी प्रबंध जिले में हम लोगों ने करवाया। अभी देखिए 27 प्रखंड है हमारे यहाँ चंपारण में और 2700 प्रखंड में हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक अलग दौर है, लेकिन अल्टीमेटली अगर बिहार को फ़ायदा पहुँचाना है तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण होना चाहिए, यहाँ रोज़गार मिलने चाहिए लोगों को ताकि पलायन भी कम हो और जो शक्ति है हमारी वो शक्ति राज्य के विकास में और राज्य के विस्तार में। जो बिल्कुल ये जानना चाहते थे कि UK में आपका एक बड़ा ब्रांड है, आप फार्मास्यूटिकल्स लाइन में आपकी कंपनी का बड़ा नाम है, बिहार में क्या कुछ करने का इरादा है? नहीं, बिहार में देखिए मेन फोकस तो ये है कि प्रोडक्शन, बिहार में देखिए एक्चुअल में कोई भी फार्मा का कोई प्रोडक्शन हब नहीं है और ना ही ये अन्य राज्यों की तुलना में ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करे तो इसको बदला जा सकता है। ये जो परसेप्शन है लोगों में कि बिहार में आप नहीं कर सकते हैं, इसको बदलने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। अब जो UK में या बाहर मेरा जो ब्रांड है, जो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस है। बिहार में दो सेक्टर्स हैं जिस पर काम करना चाहता हूँ, एक तो मेडिसिन प्रोडक्शन जिसमें से मैक्सिमम चीज़ें रोज़गार का सृजन हो जाए और दूसरा कि जो प्रोडक्शन हो उसका एक पार्ट यहाँ पर सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। दूसरा एक सेक्टर है जिसमें जो डे केयर कीमो सेंटर है जो कि आपके हर ज़िले में होने चाहिए ताकि जो पेशेंट्स कैंसर के बाद कीमोथेरेपी के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, बनारस जाते हैं, पटना आते हैं अपने गांव से, उनको अपने ज़िले के हेडक्वार्टर में ये सुविधा मिले। तो ये दो सेक्टर है जिसमें मैं भी फोकस कर रहा हूँ। बिहार में आपकी इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी से बात हुई है, फिर यहाँ पर एक बार कितने लेवल पर पहुँचे हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो इसमें 2018 से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा शुरुआती दौर में चीज़ें थोड़ी उतनी एग्रेसिव नहीं लगी, बाद में फिर सरकार ने और उनके जो लोग हैं BRDA के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सकारात्मक अप्रोच दिया और काफ़ी हम लोग को भी सपोर्ट दिया। और फिलहाल में मेरी कल की बात है, माननीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उनसे मुलाकात हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई, तो उनके बातों से एक बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत एग्रेसिव हैं इस बार की जो केंद्र और राज्य सरकार है
वो बिहार में औद्योगिकरण को लेकर बहुत एग्रेसिव है, और उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि 39 जिले हैं बिहार में, उन सभी जिलों में लगभग एक उद्योग स्थापित किया जाए, और ये अपने आप में बहुत अच्छी सोच है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। तो आशा है कि इस बार केंद्र और राज्य सरकार, चूँकि दोनों ही जगह हमारी NDA की सरकार है, और ये लोग अच्छा काम करेंगे और औद्योगिकरण की दिशा में एक नई पहल हो साबित होगी, जो कि माननीय मंत्री जी ने बताया। बिल्कुल, तो हमारे साथ है राकेश पांडे जी, जिनकी बन के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक छोटे से शहर से आज UK में एक बड़ा नाम है, और फिर से अब ये अपने शहर लौट रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार में उद्योगों का विकास हो, खासकर फार्मास्यूटिकल्स लाइन में, जहाँ पे एक भी अभी कंपनी नहीं है, वहाँ पर ये नई प्लांट लगाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराएँ। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।